आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं आज ट्रिपल टेकर सैंडविच, चीज़ सैंडविच। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे तवा, और इस पे हम लोग पैन में डालेंगे थोड़ा ऑयल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाला है। और अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमने कुछ सब्जियाँ काट के रखी हैं, उसे हम लोग फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है सब्जियों में सबसे पहले प्याज। तो प्याज को हमने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है और इसे हमने डाल दिया है इसमें। तो हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा रोस्ट करना है। साथ ही में हमने है ले लिया यहाँ पे भुट्टा। तो यहाँ पे इसे स्वीट कॉर्न बोलते हैं, तो ये स्वीट कॉर्न है और इसको डालते ही हमें ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये पॉपकॉर्न बन जाएगा, मतलब पॉप होने लगेगा। तो हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है। और साथ ही में हम लोग डाल देंगे इसमें थोड़ा टमाटर, और अब इसे हम लोग थोड़ा देर पकाएंगे, जस्ट हल्का सा, ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना है हमें। और ये जो स्वीट कॉर्न हमने लिया था, इसे कच्चा मत लें, इसे पानी में उबाल लें जब तक ये थोड़ा फूल ना जाए। जब आप पानी में उबालेंगे तो कुछ देर बाद देखिएगा कि वो एकदम फूल गया है। तो जब ये जब फूल जाए तब आप उसे निकाल लीजिए, छान लीजिए और फिर इसे इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और आप जो कच्चा जो आता है मार्केट से उसी को स्टोर कर सकते हैं, उबाल के स्टोर नहीं कर सकते, नहीं तो ख़राब हो जाएगा स्वीट कॉर्न। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा स्वाद अनुसार नमक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि अभी हमें और इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तो इसे डाल के देखिए, हम थोड़ा इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और इसे मिक्स करने के बाद ही हम लोग गैस ऑफ कर देंगे क्योंकि हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो ये देखिए, इसे हमने अच्छे से, तो ये देखिए, ये जो है हमारा, हमने भून के सब्जियों को निकाल लिया है, ज़्यादा रोस्ट नहीं किया है, देख सकते हैं आप। अब आते हैं हम लोग फिर से पैन की तरफ। तो ये आप पैन देख सकते हैं, हमने पैन ले लिया है और इसमें हम लोग फिर से तेल लगाएंगे। तो अब इस पर हमने घी लगा दिया है और इसमें हमने 3 ब्रेड्स लिए हैं क्योंकि हम लोग 3 टेकर जो सैंडविच होता है वो बना रहे हैं। और इसे हम लोग सेक लेंगे दोनों साइड से, हल्का हल्का हल्का, जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक सेक लेंगे। तो ये देखिए, हल्का हल्का जो है हम लोग रोस्ट कर लेते हैं ब्रेड को। तो ये देखिए, हल्का हल्का ब्राउन हो गया दूसरे साइड से। अब हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। अब इस मसाले में, मतलब हम लोग जो सब्जी काट के रखा था हमने फ्राई करके, उसमें हम लोग डाल देंगे थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर, साथ ही में डाल देंगे हमारा की इन्ग्रीडियंट जो कि है मैगी मसाला। ये हमने थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी नमक डाला था। अब इसे हम लोग अच्छे से मिला लेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए, हम लोग सब्जियों के साथ मसाले को अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा मेयोनीज़। तो ये आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको मेयोनीज़ नहीं है आपके पास तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके, हमने आपको हमने बना के दिखाया था विदाउट मेयोनीज़ का क्रीमी सा सैंडविच, तो आप उस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बनता है। मैं लिंक जो है कमेंट में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको मिक्स करना है। अब हमें थोड़ा सा और क्रीमी चाहिए था, उसीलिए हमने थोड़ा सा और मेयोनीज़ डाल दिया है इसमें। तो देखिए, थोड़ा सा और, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाला है। अब इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब इसे भी हम लोग मिक्स कर लेते हैं। हमें थोड़ा ज़्यादा क्रीमी चाहिए था, उसीलिए हमने ज़्यादा मेयोनीज़ लिया है। इससे ख़राब नहीं लगता है, जितना ज़्यादा मेयोनीज़ डालिएगा उतना ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया, बहुत क्रीमी बन गया हमारी ये मिक्सचर फिलिंग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये देखिए, हमारा जो ब्रेड है वो रोस्ट हो गया। अब इसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो दोनों साइड से ब्रेड को हमने रोस्ट कर लिया है थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे कि हमने ले लिया है फिर से पैन, और इसमें रख देंगे सबसे पहले एक ब्रेड, और फिर इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा सॉस। अब इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे फिलिंग, यहाँ पे हम लोग अपना आधा फिलिंग जो है वो लगा देंगे। तो अब देखिए, हमने फैला दिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चीज़ ग्रेट करेंगे, जस्ट इसको थोड़ा सा चीज़ी बनाने के लिए और क्रीमी बनाने के लिए। अब हम लोग इसके ऊपर फिर से एक ब्रेड स्लाइस रखेंगे जो हमने रोस्ट करके रखा था इस तरीके से, और सेम टेक्निक अप्लाई करके इसके ऊपर भी हम लोग सॉस लगाएंगे। अब सेम तरीके से इसके ऊपर फिर से हम लोग फिलिंग लगाएंगे। अब इस पर फिर से हम लोग इस लेयर पे थोड़ा चीज़ घसेंगे, मतलब चीज़ श्रेड करेंगे इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर लगाएंगे अपना लास्ट ब्रेड का स्लाइस। तो इस तरीके से हम लोग अपना लास्ट ब्रेड स्लाइस रख देंगे, और
अब इसे थोड़ा देर हम लोग बस नीचे वाला कुक होने देंगे और फिर इसे निकाल के सर्व करेंगे। तो ये देखिए गाइस, ये जो है हमारा एकदम बन के रेडी हो गया सैंडविच। अब देखिए इसका साइज़ देखिए, इसका कितना ज़्यादा है। और ट्रिपल डेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए कितना लेयर्स दिखाई दे रहा है, कितना बढ़िया से, और चीज़ भी एकदम अच्छे से गल गया है। तो इस तरीके से अगर आप भी बनाएंगे सैंडविच तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे हमारे सबसे पहले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएँ। तो आज के लिए इतना ही।